बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। 2007 T20 वर्ल्ड कप के कुछ मुकाबले याद हैं, चाहे हम बात करें युवराज सिंह के 6 छक्के की, या फिर फाइनल में गौतम गंभीर के 72 रनों की पारी का, या फिर आखिरी में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का जीत का। उसके बाद एक बार फिर से 2011 विश्व कप में भारत ने अपनी सरजमी पर वनडे वर्ल्ड कप में विश्व पटल पर भारत का परचम लहराया था। 2015 में भारत ने एक बार फिर से सेमीफाइनल तक पहुंचकर, लेकिन इस बार उसके हाथों निराशा हाथ लगी। 2015 में भारत एक बार फिर से सेमीफाइनल तक पहुंचा, लेकिन इस बार भारत को निराशा हाथ लगी। अगर वही बात की जाए 2019 वर्ल्ड कप की, तो भारत ने फिर से सेमीफाइनल की राह तक पहुंचा था, लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड के जो बॉलिंग अटैक रहा, उसके सामने भारत अपने घुटने टेक कर दिए। और फिर जिस तरीके से लास्ट 10 गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का रन आउट होना, ये कहीं ना कहीं भारतीय टीम को समय कला था। लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए मुकाबले में सुपर ओवर में इंग्लैंड ने बाजी मारी थी, उस वक्त टीवी से रेडियो तक बस क्रिकेट ही क्रिकेट था। आज फिर से एक बार इस टूर्नामेंट की शुरुआत है और भारत प्रबल दावेदार है। जी हाँ, बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के, जो कि आज से शुरू हो रहा है, जिसमें 48 मैच, 46 दिन, 10 टीमें और 10 ग्राउंड। कुछ ही घंटों में शुरू होगा क्रिकेट का महाकुंभ। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की महाजंग का आगाज आज से हो रहा है। पहला मैच डिफेंडिंग वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड और रनर अप न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। आपको बता दें, इस स्टेडियम में लगभग 130,000 के दर्शकों की बैठने की व्यवस्था है, यानी कि जो कैपेसिटी है उसमें 130,000 दर्शक बैठ सकते हैं। लेकिन जो भारत के अन्य ग्राउंड हैं, जो अन्य पिच हैं, वहाँ पर अगर बात की जाए तो 22,000, 25,000 या 30,000। इसलिए अगर उस ग्राउंड में 50,000 दर्शक दीर्घायु में पहुँचते हैं दर्शक देखने के लिए मैच, तब भी लगता है कि स्टेडियम पूरा खाली है। आपको बता दें कि मैच की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगा। वर्ल्ड कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरा क्रिकेट वर्ल्ड कप ही भारत में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने 1987, 1996 और 2011 के वनडे वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी की थी, यानी कि जो वर्ल्ड कप खेला गया था वो बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत में भी खेला गया था। वहीं भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। इस मैच को लेकर भी काफ़ी चर्चा है, काफ़ी माहौल गर्म है, क्योंकि जो चेन्नई की पेछे चपाक की वो स्पिनरों की काफ़ी मददगार हैं, यानी वहाँ पर आपको अश्वनी की फिरकी और कुलदीप यादव का वो जो दमखम है उनके बॉलिंग में वो देखने को मिलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास भी जिस तरीके से एडम जाम्पा हैं, वो भी अपने आप को उसमें आपको देखते हुए नज़र मिलेंगे उनको। जिस तरीके से उनके पास ग्लेन मैक्सवेल हैं, हाल ही में भी जो हुए मैच में जिस तरीके से उन्होंने 4 विकेट लिए, उनको मैन ऑफ द मैच मिला था। तो ये पूरा जो वर्ल्ड कप है आज से शुरू हो रहा है और भव्य तैयारी के साथ। लेकिन जो इसमें एक बात निकल कर आई है, इसमें कोई सेरेमनी नहीं होगी, यानी कि इसका उद्घाटन नहीं होगा, सीधे जैसे आम मैच खेले जाते हैं उसी तरीके से होगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि जो सेमीफाइनल मैच होंगे वो मुंबई और कोलकाता में होंगे। वर्ल्ड कप के दौरान 10 टीमें राउंड रॉबिन लीग में एक दूसरे से भिड़ रही हैं। इसमें कुल 45 मुकाबले होंगे। प्रत्येक टीम राउंड रॉबिन के प्रारूप में अन्य 9 टीमों से खेलेंगे, जिसमें टॉप 4 टीम नॉकआउट चरण यानी कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होंगी। इसके बाद पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। अगर भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वह मुकाबला, सेमीफाइनल का जो मुकाबला होगा, वो मुंबई में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के सभी मैच कुल मिलाकर 10 वेन्यू पर खेले जाएंगे। इनमें हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, धर्मशाला, कोलकाता भी शामिल है। यानी कि जिस तरीके से आज क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुरुआत हो रहा है, तो आप देखेंगे न्यूजीलैंड के पास भी काफ़ी दमखम है। जिस तरीके से इसके पहले जब 2019 में सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर में आप ये कह सकते हैं कि किस्मत के चलते न्यूजीलैंड को खिताब नहीं जीत पाई। जिस तरीके से उसमें एक नियम था, बॉल काउंट नियम, यानी कि जिसने जितनी बाउंड्री ज़्यादा मारी होगी वर्ल्ड कप उसके पक्ष में जाएगा। सुपर ओवर में ये फैसला लिया गया था। लेकिन अब की बार इस वर्ल्ड कप से इस पूरे, आप कहेंगे कि पूरे मैटर फड़ा दिया गया, इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। जैसे 70 मीटर कम से कम आपकी बाउंड्री होगी, बॉल काउंट यानी कि बाउंड्री काउंट उसमें नहीं होगी। अगर सुपर ओवर होता तो सुपर ओवर को सुपर ओवर के तहत भी रखा जाएगा।
लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे जो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप है वो लगभग नंबर 8 नंबर 10 तक है। और इंग्लैंड लिए एक बुरी खबर ये भी है कि पहले मैच में बेन स्टोक जो उनके बेहतरीन ऑलराउंडर में आते हैं जो नंबर 4 पर खेलने भी आते हैं वो नहीं खेलेंगे, यानी कि वो पहले मैच में खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। कल शाम को जब सारे कप्तान इकट्ठा हुए थे अहमदाबाद में तो ये जॉस बटलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि उनको मांसपेशियों में कुछ खिंचा हुआ गया जिसके चलते आज वो टीम का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इंग्लैंड की जो टीम है क्या वो हैरी ब्रुक्स को मौका देगी इसमें 4 नंबर खेलने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि हैरी ब्रुक्स किस तरीके से खेलते हैं, यानी किस तरीके से वो गेंदबाजों पर पूरी तरीके से आक्रमण करते हैं और हर बॉल को वो बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। फिलहाल बीते 3 सालों में जो इंग्लैंड का बैटिंग लाइनअप है वो कितना मजबूत है आप देख लीजिए। जिस तरीके से जो रूट भी जब खेलने आते हैं तो वो भी पहली बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंकना चाहते हैं। जिस तरीके से डेवी मलान फॉर्म में है, आप बात करेंगे मोइन अली की, वो भी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, तो यानी कि पूरी टीम एक मिलकर खेलती है उनकी और उनकी कोशिश ये रहती है कि हम अपने स्कोर को कम से कम 400 पहुँचाएँ। अगर 400 स्कोर नहीं जाता है तो ये कम से कम 350 या 300 के करीब पहुँच सकता है। वहीं अगर बात की जाए न्यूजीलैंड में भी काफ़ी दमखम है जिस तरीके से उनके पास कप्तान केन विलियमसन है और जिस तरीके से डेविन कॉनवे अगर आप करेंगे तो डेविन कॉनवे भी चेन्नई की तरफ खेलते हैं और इंडिया के पिचों से बखूबी वो वाकिफ़ हैं। लेकिन जो दोनों टीमों में निकल कर आ रहा है कि अगर जिस तरीके से न्यूजीलैंड के जो बॉलिंग अटैक है अगर वो मजबूत है तो इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत मजबूत है। फिलहाल ये क्रिकेट का महाकुंभ आज दोपहर 2 बजे आपको देखने को मिलेगा और न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाती रहेगी। आप बने रहिएगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ क्योंकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया इस पूरे वर्ल्ड कप को कवर करेगी और पल पल की खबर को वो आप तक पहुंचाएगी।